हेलो फ्रेंड्स, यू वाचिंग नेक्स्ट नया लाइफ एंड आई एम योर होस्ट आकाश। दोस्तों, बहू हमारी रजनीकांत बेपनाह प्यार, मधुबाला जैसी कई बड़े टेलीविजन शोज का हिस्सा रही अभिनेत्री तन्वी ठक्कर ने शादी कर ली है। आज यानी 16 फरवरी को टीवी एक्ट्रेस आदित्य कपाड़िया के साथ तन्वी ठक्कर शादी के बंधन में बंध गई। कपल की वेडिंग सेरेमनी साउथ मुंबई के एक 5-स्टार होटल में हुई, जिसमें चुनिंदा मेहमान ही शामिल हुए। जैसा कि तन्वी और आदित्य कई साल से टेलीविजन जगत का हिस्सा हैं, ऐसे में कपल की शादी में टीवी इंडस्ट्री के कई फेमस सितारे पहुंचे। इनमें तारक मेहता की एक्ट्रेस सुनैना फौजदार, ईशा दत्ता, श्रद्धा जायसवाल, नेहा कौल कपल की शादी में शामिल हुए। टीवी कपल तन्वी ठक्कर और आदित्य कपाड़िया ने 17 फरवरी को परिवार और करीबी दोस्तों के लिए एक रिसेप्शन की भी प्लानिंग की है। दोस्तों, तन्वी और आदित्य की पहली मुलाकात टीवी शो एक दूसरे से करते हैं प्यार हम के सेट पर हुई थी। कुछ टाइम एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने 24 दिसंबर 2013 को सगाई भी कर ली थी। अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए तन्वी ठक्कर ने बताया कि मैं और आदित्य एक दूसरे से सीरियल के एक दूसरे से करते हैं प्यार हम के सेट पर मिले थे। ये 7 साल से पुरानी बात हो चुकी है। हम तुरंत ही कनेक्ट हो गए और कुछ महीनों में हमने सगाई भी कर ली। पिछले 7 साल से हम रिलेशनशिप में थे। सितंबर 2020 में हमने लिविंग में रहने का फैसला भी किया। एक दूसरे के साथ सब अच्छा रहा और हमने आखिरकार शादी का फैसला भी कर लिया। तन्वी ठक्कर के पिता की कुछ महीने पहले निधन हो गया था और यही एक कारण था कि उन्होंने प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने का फैसला लिया। तन्वी बताती हैं कि उनका ये कोई भी प्लान नहीं था, उनका ऐसा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। आदित्य और मैं कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। हमारे परिवार को लगा कि एक समारोह तो होना ही चाहिए, इसलिए हमने एक होटल में शादी करने का फिर फैसला ले लिया। दोस्तों, वही वर्क वंक की बात करें तो तन्वी ठक्कर को आखिरी बार सीरियल बेपनाह प्यार में देखा गया था। उन्होंने मिले जब हम तुमसे एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो सास बिना ससुराल, पवित्र रिश्ता, मधुबाला, एक इश्क एक जुनून और बहू हमारी रजनीकांत में भी दिखाई दी थी। आदित्य कपाड़िया को आखिरी बार बड़े अच्छे लगते हैं हमें देखा गया था। हालांकि उन्हें पहचान टीवी शो जस्ट मोहब्बत, सोनपरी और शकलाका बूम बूम से मिली थी। फिलहाल आदित्य कपाड़िया अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।